नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टक्रिप पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए, यानी आपके पास कितना बड़ा स्पेस होना चाहिए और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके अंदर आपको प्रॉफिट कितना होता है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कजारिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कजारिया सेरेमिक टाइल कंपनी इंडिया की कुछ बड़ी टाइल्स कंपनियों में से एक है। दोस्तों यह कंपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर सेरेमिक टाइल का प्रोडक्शन करती है और यह कंपनी आज इंडिया के अंदर बहुत सी प्रकार की सेरेमिक टाइल बना रही है। दोस्तों लगभग यह कंपनी डिजाइनर टाइल भी बनाती है, फ्लोर टाइल भी बनाती है, वॉल टाइल भी बनाती है, ऐसे बहुत सी प्रकार की टाइल यह कंपनी बना रही है। इस कंपनी के दोस्तों इंडिया के अंदर 8 प्लांट है, जिनमें से 3 गुजरात के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है और राजस्थान के अंदर है। और दोस्तों आपको बता दें यह कंपनी इंडिया के साथ साथ इंडिया के पड़ोसी देशों के अंदर भी अपने टाइल का एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों आज इस कंपनी के पास 10,000 डीलर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिससे यह कंपनी अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा रही है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेकर टाइल्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिल्कुल सही बिजनेस है और छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेकर टाइल्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सही लोकेशन पर एक शॉप और एक गोडाउन होना चाहिए और आपके पास अपने पर्सनल और अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास डीलरशिप का लाइसेंस होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेंगे तो आपके पास ये सभी चीज़ होनी चाहिए, तभी आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेकर अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है किसी सिटी के अंदर अच्छी सी मार्केट के अंदर तो आपको ना तो जमीन खरीदनी पड़ेगी ना किराए पर लेनी पड़ेगी और आप थोड़े से पैसों में बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। और दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है और आप जमीन किराए पर ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप बड़ा शोरूम बनाकर अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप छोटी शॉप बनाकर एक छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यानी सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है और अपना शोरूम या शॉप एस्टैब्लिश करनी है और एक गोडाउन बनाना है। और दोस्तों आपको एक या दो वर्कर चाहिए अपनी शॉप के अंदर काम करने के लिए। तो दोस्तों सभी चीजों के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप कंपनी को कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के बीच ब्रांड सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद अपनी शॉप एस्टैब्लिश करेंगे और अपना गोडाउन एस्टैब्लिश करेंगे और एक या दो वर्कर हायर करेंगे। तो सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 20 से 25 लाख रुपए है तो आप आसानी से कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और टाइल्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ एक बात बता दें, यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेकर टाइल्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस के साथ व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर का बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो आपको अपनी शॉप एस्टैब्लिश करनी है, यानी अपना शोरूम बनाना है और अपना गोडाउन एस्टैब्लिश करना है। इन दोनों चीज़ों के लिए दोस्तों आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों आपकी जमीन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और कितना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी और छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप 500 से 700 स्क्वायर फीट के अंदर अपनी शॉप एस्टैब्लिश करते हैं और 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर अपना गोडाउन एस्टैब्लिश करते हैं तो दोस्तों दोनों चीजों को मिलाकर आपके पास 2000 से 2500 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आसानी से कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया, यदि आप व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल या ग्रेनाइट पत्थर का बिजनेस इसके साथ करेंगे तो आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी और उसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा गोडाउन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और आपको ओपन स्पेस की भी उसके अंदर जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों उसके अंदर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे और बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकेंगे। अब
बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए। दोस्तों आप जीएसटी नंबर के बिना अपना बिजनेस नहीं चला सकते, चाहे छोटी शॉप चलानी हो चाहे बड़ी चलानी हो, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर के बिना आज कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। और दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों कुछ अदर डॉक्यूमेंट है, वे डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से पता चलेंगे कि आप कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांग रही है। और दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर जरूरी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके पास सही लोकेशन पर अच्छी सी जमीन है और अच्छी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप आसानी से कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेकर बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया था, कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिला। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वहां आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी आपके बारे में, जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, ऐसे दोस्तों आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, आप वहां बता देना और आपका वहां से रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नंबर ना मिले तो दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनी का टोल फ्री नंबर अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कंपनी कुछ टाइल्स के ऊपर प्रति पेटी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है और कुछ टाइल्स के ऊपर प्रति फिट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो दोस्तों इसलिए सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहीं से दोस्तों आपको सभी जानकारी मिलेगी क्योंकि दोस्तों कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप कजारिया टाइल्स कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और टाइल्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, वहां दोस्तों हमने अच्छे से विस्तार से बताया है और वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।